दोस्तों मैंने 30 इंच में आने वाले सभी टीवियों को खरीद लिया और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा टीवी आपको लेना चाहिए। पर्टिकुलरली बात करें तो सोनी, सैमसंग, एलजी, इन्फिनिक्स, एसर, ओनिडा, आई फैल्कून, टीसीएल, जितने भी ब्रांड्स हैं ना, सभी टीवियों में से मैंने कुल मिला के 6 ब्रांड्स पिक किए हैं जिनको मैं अपने टॉप 5 में लेके आने वाला हूँ। टॉप 5 32 इंच वाली ये वीडियो है जिसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने रुपये खर्च करके आपको एक बेहतरीन टीवी मिलने वाला है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ जो मैंने लिस्ट में 6 टीवीज लिए हैं उनके नाम है OnePlus Y1S, Realme Smart TV 2023, Acer V सीरीज का QLED टीवी, Infinix का QLED टीवी W1 वाला जो कि LG के WebOS के साथ में आता है, इसके बाद MIA सीरीज 2023 का एडिशन और Onida का Next G 32 इंच टीवी जो कि Android में है। ये 6 टीवी लिए हैं और भी बहुत सारे आते हैं और मैंने सबकी अनबॉक्सिंग भी की हुई है, सैमसंग वाले की भी की हुई है, LG वाले की भी की थी, Onida के Fire TV की भी की थी, कूका की भी की है, Infinix के Xperia N की भी की थी, सो मेनी 32 इंच टीवीज जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की, तोशिबा की भी की थी, बट यहाँ पे जो मैंने 6 पिक किए हैं, दिस इज द मोस्ट सेलिंग 6 टीवीज जो कि 32 इंच में है, जो मेरा डेटा बताता है कि ये 32 इंच टीवी आप सबसे ज़्यादा खरीदते हो। तो इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट है मेरी रैंकिंग के हिसाब से, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वैसे 6 के 6 मस्त हैं, आपको कोई भी टीवी खरीदना हो इनमें से तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप डायरेक्टली इन टीवियों में से किसी को खरीद सकते हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, और फिर भी मुझे और चैटना हो तो यू कैन फॉलो मी ऑन थ्रेड्स, एक्स, Instagram और WhatsApp पर चैट कर सकते हो कोई भी सवाल या सुझाव हो तो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मैंने हर टीवी की प्रॉपर अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो बनाई हुई है, तो हर टीवी के बारे में पूरा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आई वॉन्ट टू कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट, तो मैं बहुत शॉर्ट में सिर्फ नाम बताऊंगा और थोड़े बहुत फीचर्स को हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। जो नंबर 6 पे आ रही है वो कोई है नहीं, एक्चुअली टाई हुआ है बीच में, तो जो नंबर 5 पे आ रही है वो टीवी है Realme Smart TV 2023। सबसे लास्ट में मैंने इसे इसीलिए रखा, कंसीडर भी इसको इस वजह से कंसीडर करने लगी, टीवी है नहीं लेकिन इसीलिए किया है बिकॉज आप लोग इस टीवी को सबसे ज़्यादा खरीद रहे हो। एंड क्यों खरीद रहे हो, Realme के ब्रांड के नेम की वजह से खरीद रहे हो मुझे मालूम है, बट ये टीवी लैग करता है बहुत ज्यादा, बाकी किसी भी अन्य टीवी में सबसे ज्यादा लैग यही करता है जो मेरा एक्सपीरियंस है। बट इनका रिमोट अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी बहुत डिसेंट, अबव एवरेज कहूंगा मैं, ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है 24 वाट के स्पीकर्स के साथ, बट उन्होंने वो चेंज नहीं किया है पिछले 3 साल से। दिस टीवी इज़ गुड, इफ़ यू वांट टू बाय इट यू कैन गेट इट, बट प्राइसिंग का बहुत ध्यान रखना, 11-12 हज़ार रुपये से ऊपर दे रहे हो तो मत देना भैया, बहुत अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। दोस्तों अगर वारंटी की बात करें तो सिर्फ एसर के साथ आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, बाकी सभी 5 टीवियों के साथ आपको सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलती है, पर आप चाहें तो इसे 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं गो वारंटी के जरिए। गो वारंटी एक वारंटी एक्सटेंशन सर्विस है जो आपकी वारंटी को 5 साल तक एक्सटेंड कर देती है, और फिर आपको कोई भी दिक्कत आती है यू जस्ट हैव टू कॉल गो वारंटी, एंड गो वारंटी विल फिक्स योर डिवाइस बाय कमिंग टू योर होम, एंड फ्री रिपेयर रहेगा, जेन्युइन पार्ट्स रहेंगे एंड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड अगर आपका टीवी या फिर कोई और भी अप्लायंस जिसकी आपने वारंटी एक्सटेंड करवाई है वो ठीक नहीं होता है तो यू विल गेट अ फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट। चेकआउट गो वारंटी इन द डिस्क्रिप्शन, ये बहुत ही ज्यादा आफ्टर सेल सर्विस पर ध्यान देने वाली वारंटी है, इसे प्लीज 100-200 रुपए वाली सस्ती वारंटी मत समझना। नंबर 4 की बात करेंगे तो MI का A सीरीज 32 इंच आएगा, लेटेस्ट टीवी है, गूगल टीवी के साथ में आ रहा है, बेहतरीन रिमोट है, पैचवॉल का सपोर्ट है, पैचवॉल प्लस का भी सपोर्ट है, एंड ऑडियो क्वालिटी भी बहुत सही है, वीडियो क्वालिटी भी बहुत सही है। इट्स जस्ट दैट कि प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा कहूँगा, 1000-1500 रुपये और कम होते देन दिस टीवी वुड हैव बीन ग्रेट, बट ठीक है, इससे बेहतर पिक्चर क्वालिटी भी आपको आगे मिलने वाली है तो उनकी तरफ आप जाएंगे। नंबर 3 पर रहेगा OnePlus का, जो अभी अपडेट नहीं किया है फिर भी, लेकिन लास्ट ईयर का मॉडल OnePlus Y1S 32 इंच। ये टीवी इतना ऑलराउंडर टीवी है कि अपने हर सेगमेंट में आज भी लोगों को पछाड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा टीवी यही खरीदा जा रहा है जो मैंने, मेरी जो लिस्टिंग है, जो मैंने डेटा निकाला है। OnePlus Y1S इज़ एन अमेजिंग टीवी इंडीड, इसमें कोई शक नहीं है, बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, बेहतरीन कलर्स के साथ में आता है, और बहुत ही बढ़िया ऑडियो क्वालिटी भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। एंड जो यूजर एक्सपीरियंस है OnePlus Connect के ऐप के साथ वो आज भी मतलब कंपेरेबल नहीं है किसी और टीवी के साथ। हाँ, एक Infinix के साथ कंपेरेबल है, Infinix का ऐप भी काफी अच्छा है, बट हम उसके बारे में आगे बताने वाले हैं। नंबर 2 पर रहेंगी 2 टीवी,
ओनिडा का नेक्स्ट जी टीवी और इन्फिनिक्स का W1 QLED. इन्फिनिक्स का W1 QLED इजीली नंबर 2 हो जाता, ओनिडा को पीछे छोड़ देता अगर उनके LG का मैजिक रिमोट साथ में आया होता. LG का मैजिक रिमोट साथ में नहीं दिया, इस वजह से थोड़ा सा पीछे है. नहीं तो ओवरऑल बात करोगे तो पिक्चर क्वालिटी तो इन्फिनिक्स की बेहतर है, ऑडियो क्वालिटी लगभग सिमिलर है, लेकिन ओनिडा का अगर आप स्पीकर वाला वेरिएंट ले रहे हो जिसमें आपको KY Rock Edition वाला मॉडल मिलता है तो फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं है. उसके KY Rock Edition बहुत ही शानदार है आवाज़ के मामले में अगर आप बात करें तो. लेकिन ओवरऑल टाई रहेगा अगर दोनों में से एक पूछोगे तो भैया रिमोट के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर 1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो तो ओनिडा के बराबर प्राइसिंग आ जाएगी, देन यू कैन गेट द LG मैजिक रिमोट, तो फिर कंसिडरेशन अलग से रहेगी. बट फिलहाल दोनों में टाई रख रहा हूं मैं. नंबर 1 पर रहेगा हमारा एसर का QLED TV V सीरीज में. बेहतरीन टीवी है, गूगल टीवी है, 30 वॉट के स्पीकर हैं, 16 GB की स्टोरेज है, 1.5 GB की रैम है, बहुत ही सही प्रोसेसर है, अमेजिंग रिमोट है. यू कैन नॉट आस्क एनीथिंग एल्स इन अ 32-inch टीवी और बहुत ही बेहतरीन प्राइस भी है. ये टीवी सबसे बेस्ट है, इसमें कोई शक ही नहीं है. एंड ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत टाई वाई के मामले में ना भाई, सबसे पछाड़ के ही आगे आई है क्योंकि इसकी फ्लूडिटी और किसी भी टीवी से मैच नहीं हुई है अब तक जितने भी मैंने 32-inch की टीवी अनबॉक्स किए हैं. तो नंबर 1 पे हमारा रहेगा एसर का वी सीरीज QLED टीवी. इससे ज़्यादा और कोई अच्छा टीवी नहीं है. ये जो मैंने रेंज रखी है ना, याद रहे इस रेंज को मैंने अबव 10,000 वाली रेंज में रखे हैं सारे के सारे टीवी. बिलो 10,000 में ना अलग ही सीन है भैया, उसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे, बेफिक्र रहिए. इन्फिनिक्स X3 IN है, कुका गोल्ड टीवी बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमने 10,000 से ऊपर वाली रेंज की बताई है वीडियो. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लेना एंड फॉलो मी ऑन X, Threads, Instagram एंड WhatsApp. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.